अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। नाज़रीन, इमरान खान का कप्तान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद F9 पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की मरकजी क़यादत अली नवाज अहमान साहब। हम इनसे पूछते हैं कि क्या जज्बात हैं, आवाम के क्या तासुरात हैं। अली साहब, क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त। पिंडी में पहले जलसा PTI का फैसला हुआ, फिर उसके बाद लाहौर इसको शिफ्ट किया गया, कैसे देखते हैं इस जलसे को, आज के तारीखी जलसा जो लाहौर में है और इस्लामाबाद की आवाम ने अभी तरीके लबैक ने हमसे पहले एप्लीकेशन दी थी और हमने भी एप्लीकेशन दी। अभी तहरीक लबैक का फैज़ाबाद के ऊपर जलसा, हम मुतसादम नहीं चाहते, हम तसादम बिल्कुल नहीं चाहते। तरीके से पुरमन जमात है और हमने उसके बाद ऑप्शन देखी रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड, वो नहीं मिला, फिर हमने इसे लाहौर में शिफ्ट कर दिया और 14 अगस्त के हवाले से लाहौर की बहुत इंपॉर्टेंस है और आज इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हकीकी सिंध का तयन होगा। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपनी स्पीच करेंगे तो इस मुल्क की इस कौम को एक नई सिंध देंगे। अच्छा, कराची के, मुल्तान के, इस्लामाबाद के लोगों का जो रिस्पांस है इस जलसे को, जलसा लाहौर में, इस्लामाबाद के लीडर होने के नाते, इस्लामाबाद के एक अवामी नुमाइंदे होने के नाते, इसको कैसे देखते हैं? यह देखो, ये हमारा 152 चार महीने हुए हमें रोड पे आए हुए और हमेशा लोग रिस्पांस करते हैं, हमेशा तहरीक इंसाफ के कार को, हमेशा इस्लामाबाद के बाद इमरान खान की एक कॉल के ऊपर इसी जज्बे से बाहर आते हैं। तो हमेशा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आइंदा भी रहूँगा। शुक्रिया जी।